दुनिया देख के बोल रहा हूं, अगर जिस समाज में नई पीढ़ी के मन में आ जाता है कि हमें दुनिया बदलना है, वो बदल ही देते हैं। और मैं संबलपुर की नई पीढ़ी में वो ताकत, वो जलवा, वो झलक देख रहा हूं। आप लोग दुनिया को बदलने वाले हो, मैं इतना ही शुभेच्छा देता हूं। थोड़े दिन पहले मैं स्कूल के एनुअल डे में आया था, आज फिर मेरे को सौभाग्य मिला आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए। आज हमारी सिर्फ बेसिक स्कूल, इसकी एक सेंटर है, लेकिन आने वाले दिनों में तिवारी जी और एनएसडीसी की मित्र और आनंद जी और हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारी है साक्य, ये सब मिलके यहाँ एक हब बनाए। कम से कम आने वाले एक साल के अंदर आप इतना बढ़िया एक लैब बनाओ जिसमें संबलपुर की 10,000 बच्चों को हम 3D प्रिंटिंग क्या है दिखा पाएंगे। माँ समलेश्वरी मंदिर जितने हम सबकी श्रद्धा के केंद्र है, पवित्र महानदी हम लोगों के लिए जितनी श्रद्धा रखती है, हीराकुंड उद्यान एक समय में हम सभी के आकर्षण के केंद्र था। आज नई आइडियाज जो आज वैदिक स्कूल में हम शुरू कर रहे हैं, वो जिले की सभी बच्चों के लिए, उस लैबोरेटरी सभी बच्चों के लिए एक्सपोजर के लिए रखा जाए। जो बच्चे ने कहा हमें एक्सपोजर के लिए बाहर जाना है, हम उस एक्सपोजर को संबलपुर में ही देंगे, वैदिक स्कूल में ही देंगे। समाज की हमारी रोटरी क्लब के सारे वरिष्ठ नेतृत्व भी यहाँ बैठा है। हम सभी लोग सभी बातों को छोड़ के एक विषय में हम सहमति बनानी पड़ेगी, बच्चों के ऊपर, नई पीढ़ी के ऊपर हम जितने इन्वेस्ट करेंगे हमारी संपन्नता उतनी बढ़ेगी। समाज में वेल्थ क्रिएशन करना, जॉब क्रिएट करना, हम जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं। संबलपुर की नई पीढ़ी मन बना ले, जॉब क्रिएट करने के लिए हम रोबोट्स बनाएंगे, इंटरनेट ऑफ द थिंग बनाएंगे, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सेमीकंडक्टर, क्यों ना हम आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर की हब संबलपुर में ही बने। ऐसे ही आप सपना देखो, इसी शुभेच्छा के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।